नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल वॉइस में। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। भारत के लिए आज बेहद गर्व का दिन है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक योग दिवस के दिन भारतीयों के कारनामों से भर चुकी है। पूरी दुनिया में आज योग दिवस मनाया गया और लोगों का जोश भी देखने लायक था। अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे आज आपको भारत की, उत्तर प्रदेश की। पानी के ऊपर योगा, जमीन से हजारों फुट ऊपर योगा, पूरे दिन भर की हर बड़ी तस्वीर और हर बड़ी बात देखिए अगले आधे घंटे तक हमारे साथ। पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और हर विश्व के हर से तस्वीरें जो हैं हर जगह से देखने को हमें मिली हैं। क्या क्या हुआ आज देश भर में, दुनिया भर में? सबसे पहले आइए हम आपको वो दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। श्वास छोड़ते हुए हाथों को सामान्य अवस्था में आए। आज 21 जून है, यानी आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। पूरी दुनिया योग कर रही है और पूरे देश में योग के हजारों कार्यक्रम हुए। इस मौके पर केंद्र सरकार के 57 मंत्री देश भर में होने वाले कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। फरीदाबाद में 1,00,000 लोगों के साथ योग करके बाबा रामदेव ने कई रिकॉर्ड बनाए। प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ में 30,000 लोगों के साथ योग किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने यहां पर ऐलान किया है कि अगले साल से योग दिवस पर 2 अवार्ड दिए जाएंगे, जिसमें से एक राष्ट्रीय स्तर और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाएगा। अपने संबोधन में योग की महत्वता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये महज क्रिया नहीं है, बल्कि शरीर को स्वस्थ रखने की विधि है। पीएम ने कहा कि योग को मोबाइल की तरह अपने जीवन में शामिल कर लें। योग के जरिए हम डायबिटीज जैसी बीमारी को भी मात दे सकते हैं। योग पर यह कार्यक्रम चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया था। इसके अलावा योग दिवस पर देश भर में मंगलवार को 1,00,000 से अधिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार को भारत समेत पूरी दुनिया में योगाभ्यास किया गया। संयुक्त राष्ट्र से लेकर अमेरिका, चीन, जापान, यहां तक कि पाकिस्तान में भी योग शिविर लगाए गए। योग गुरु बाबा रामदेव ने फरीदाबाद में योग शिविर लगाया, जहां 1,00,000 लोगों ने योग किया। इस मौके पर 1,408 लोगों ने शीर्षासन कर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी राष्ट्रपति भवन में योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। देश के कई शहरों में योग के कार्यक्रमों में 57 केंद्रीय मंत्री शामिल हुए, जबकि यूपी में 9 केंद्रीय मंत्रियों ने योग दिवस मनाया। देश भर में योग दिवस के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। दिल्ली में योग दिवस के मद्देनजर इंडिया गेट, कनॉट प्लेस समेत कई जगहों पर योग दिवस को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए गए। आपको बता दें कि पिछले साल यूएन के ऐलान के बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को पूरी दुनिया में दूसरी बार मनाया गया। प्रोग्रामिंग डेस्क, नेशनल वॉइस। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने चंडीगढ़ में 30,000 लोगों के साथ मिलकर योगा किया। पीएम ने कई आसन किए, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं पीएम के कुछ खास आसन। चार तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर अलग अलग आसन दिखा रहे हैं पीएम मोदी के खास आसन, जिनको हर रोज वो करते हैं। 30,000 लोग मौजूद थे चंडीगढ़ में, इस दौरान योग किया पीएम ने, लोगों को संबोधित भी किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और योग करना कितना अच्छा होता है सेहत के लिए, ये भी प्रधानमंत्री ने इस दौरान लोगों को बताया। चार तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से योग करना चाहिए, योग भी सिखाया आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एक प्रोफेशनल टीचर कह सकते हैं कि आज प्रधानमंत्री बनते हुए नजर आए, क्योंकि सिखा रहे थे कि किस तरह से योग करना चाहिए।
भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। इस दौरान लोगों के लिए भी एक अच्छा मौका था प्रधानमंत्री के साथ योग करने के लिए। सेहत अच्छी रहती है योग करने से, और लगातार इसी बात को प्रधानमंत्री न सिर्फ कहते हैं बल्कि खुद भी हर रोज वो योग करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ये तस्वीरें जहां चंडीगढ़ में पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 30,000 लोगों ने उनके साथ आज किया योग। तो पीएम मोदी ने योग दिवस पर अपने भाषण में कई बड़ी बड़ी बातें कहीं, लेकिन हम आपको पीएम की 10 बड़ी बातें बताने जा रहे हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं पीएम की 10 बड़ी बातें, क्या कुछ कहा उन्होंने। योग दिवस पर प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया भर में जन आंदोलन का रूप ले चुका है। दुनिया के सभी देश अपने अपने समय की सुविधा से इस योग कार्यक्रम से जुड़े। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को विकसित देश हो या विकासशील देश, सबका समर्थन मिला, हर तबके ने इसे समर्थन दिया। यूएन द्वारा शुरू किए गए दिवसों में कोई ऐसा दिवस जो जन आंदोलन बन गया हो, सब देशों ने इसे खुलकर समर्थन दिया हो। योगासन एक तरह से जीवन अनुशासन का उदाहरण बन जाता है। योग मुक्ति का मार्ग है, ये धार्मिक कर्मकांड नहीं है बल्कि बेहतर जीवन की ट्रेनिंग है। योग को अमीर गरीब, विद्वान अनपढ़ का भेद नहीं। योग के लिए बस हाथ फैलाने की जगह चाहिए, इससे उनका तन मन दुरुस्त रह सकता है। योग एक सरल, सस्ता और हर किसी के लिए उपलब्ध मार्ग है। आज के समय की आपाधापी में हम अपने आप से कटते जा रहे हैं। योग ऐसा माध्यम है जो हमें अपने आप से जोड़ता है। तो ये 10 बड़ी बातें थी जो प्रधानमंत्री ने कही आज। उधर पूरे देश में पीएम मोदी ने 57 मंत्रियों को जिम्मा दिया था योग के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का। देखिए जरा बीजेपी के दिग्गजों को अलग अलग स्थानों से योगा करते हुए। पहली तस्वीर लखनऊ की है जहां राजनाथ सिंह पहुंचे हुए थे। दूसरी तस्वीर कानपुर की जहां मनोहर पारिकर पहुंचे हुए थे। भोपाल में पहुंची हुई थी आज स्मृति ईरानी। दिल्ली में वेंकैया नायडू ने योग किया। पांचवी तस्वीर में नजर आ रही हैं नितिन गडकरी जो नागपुर पहुंचे हुए थे। मेरठ की अगर बात की जाए तो मेरठ में मुख्तार अब्बास नकवी योग करते हुए आज नजर आए। 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, दिग्गज करते योग। लखनऊ में भारी बारिश थी लेकिन उसके बाद भी योग करते नजर आए राजनाथ सिंह। मेरठ में पहुंचे हुए थे मुख्तार अब्बास नकवी, और मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि अगर आप ओम का उच्चारण नहीं कर सकते योग करते वक्त, तो आप अल्लाह का उच्चारण कर सकते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने मेरठ में ये बात कही। वहीं भोपाल में स्मृति ईरानी पहुंची हुई थी, कानपुर में मनोहर पर्रिकर, नागपुर में नितिन गडकरी, दिल्ली में वेंकैया नायडू और राजनाथ सिंह लखनऊ में पहुंचे हुए थे, योग करते हुए नजर आए ये सभी दिग्गज। तो अब तक हमने आपको दिखाया कि किस तरह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन दिग्गज और आम जनता ने योग किया, लेकिन अब थोड़ा राजनीति की तरफ ले चलते हैं आपको और दिखाते हैं कि यूपी में योग के जरिए राजनीति को कैसे साधा दिग्गजों ने। 2017 को भी जरूर याद रखते हुए ही ये भी 2017 को भी जरूर याद रखते हुए ही ये भी दरअसल पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया आज योगा के जरिए लोगों को बेहतर और स्वस्थ भविष्य के विकल्पों की जानकारी दे रही है। और ऐसे में जब पीएम मोदी के 9 दिग्गज मंत्रियों को यूपी में योग शिविर के बागडोर सूबे के अलग अलग हिस्सों में संभालने के लिए दी गई,
तो विरोधियों ने इसे वोट योगा का नाम दे दिया। अब इस बात से तो हर कोई परिचित है कि 2017 की शुरुआत में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन्हीं सबको देखते हुए यूपी में तैयारियां जोरों पर चल रही है। सिर्फ योगा नहीं होगा यहाँ बल्कि कार्यशालाएं और संगोष्ठियों को भी इस पूरे कार्यक्रम में शामिल किया गया है और इन्हीं सब चीजों को देखकर हर कोई मान रहा है और कह भी रहा है कि इन सब कार्यक्रमों के जरिए ये 2017 के तहत यूपी को साधने की कोशिश है बीजेपी की। और तमाम दिग्गजों के बीच कोई कहे ना कहे, निर्मला सीतारमण ने तो कह ही दिया कि 2017 को भी भूलिएगा मत। लेकिन आइए उन 9 नामों से ताल्लुक कराएं आपका जो यूपी में सिर्फ योगा के शिविर नहीं चलाएंगे बल्कि कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में 2017 की बातों को भी डालेंगे। अब जाहिर है पीएम मोदी ने सहारनपुर से रैली के जरिए 2 साल पूरे होने के जश्न की जो शुरुआत की थी वो इन्हीं कार्यक्रमों के साथ खत्म होगी ऐसा फिलहाल नहीं कहा जा सकता। योग दिवस के कार्यक्रमों का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी जिन 57 मंत्रियों को दी गई है उनमें गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी भी शामिल है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर कानपुर में, कलराज मिश्र वाराणसी के कार्यक्रम में शामिल हुए। अब इन सभी के बीच केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार निर्मला सीतारमण ने गाजियाबाद में लोगों के साथ योग किया लेकिन 45 मिनट तक योग करने के बाद वो योग के बहाने यूपी 2017 पर भी फोकस कर देने की बात कह गई। मतलब साफ था योग के माध्यम से 2017 चुनाव को भी फोकस में रखा जा रहा है। योगा तो पूरे जीवन भर करना है, 2017 के सिर्फ नहीं उसके बाद भी करना, 2017 को भी जरूर याद रखते हुए ही ये भी, मगर पूरे दुनिया में हो रही है, दुनिया भर के चुनाव नहीं है, सिर्फ यूपी में चुनाव है। योग तो जीवन भर करना है, 2017 के बाद भी करना है और 2017 को भी याद रखना है, यही शब्द थे निर्मला सीतारमण के। अब योग दुनिया भर में हो रहा है ये कहकर उन्होंने इन बातों को टालने की कोशिश तो की लेकिन जाते जाते वो ये भी कह गई कि 2017 को याद रखना। अब कुल मिलाकर देखना ये दिलचस्प होगा कि आज किए हुए तमाम आसनों और प्राणायाम के जरिए 2017 के चुनावों में बीजेपी के ये नेता इन आसनों से अपनी पार्टी को कितना फायदा पहुंचा पाते हैं। गाजियाबाद से शक्ति सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। तो आज हर तरफ योग देखने को मिला लेकिन इसके लिए 21 तारीख ही क्यों चुनाई गई, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का खास पेशकश राजनीति का योग में। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। पूरे विश्व में हर तरफ योग की धूम है। जब पिछले साल योग की पूरी दुनिया में यूएन ने एक दिन दिया था तो हर तरफ योग देखने को मिला था। आज वो तस्वीरें देखिए और 21 तारीख क्यों चुनी गई वो भी समझिए। दुनिया आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है जिसके चलते लोग आज योग वह एक ऐतिहासिक क्षण था। 11 दिसंबर 2014 यूनाइटेड नेशंस की आम सभा ने भारत द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित कर दिया। सबसे मजेदार बात यह कि इस प्रस्ताव का समर्थन 193 में से 175 देशों ने किया और बिना किसी वोटिंग के इसे स्वीकार कर लिया गया। यूएन ने योग की महत्वता को स्वीकारते हुए माना
कि योग मानव स्वास्थ्य व कल्याण की दिशा में एक संपूर्ण नजरिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 14 सितंबर 2014 को पहली बार पेश किया गया यह प्रस्ताव 3 महीने से भी कम समय में यूएन की महासभा में पास हो गया। भारतीय राजदूत अशोक मुखर्जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव यूएन असेंबली में रखा था, जिसे दुनिया के 175 देशों ने भी सह प्रस्तावित किया था। यूएन जनरल असेंबली में किसी भी प्रस्ताव को इतनी बड़ी संख्या में मिला समर्थन भी अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया। इससे पहले किसी भी प्रस्ताव को इतने बड़े पैमाने पर इतने देशों का समर्थन नहीं मिला था, और ये भी पहली बार हुआ कि किसी देश ने यूएन असेंबली में कोई इस तरह की पहल सिर्फ 90 दिनों के भीतर पास कर ली हो। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने के पीछे वजह है कि इस दिन ग्रीष्म संक्रांति होती है। इस दिन सूर्य धरती की दृष्टि से उत्तर से दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है। योग के नजरिए से यह समय संक्रमण काल होता है, यानी रूपांतरण के लिए बेहतर समय होता है। आधुनिक युग में पश्चिमी दुनिया को योग से पुनः परिचित कराया स्वामी विवेकानंद ने, जब उन्होंने 1893 में अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म संसद को संबोधित किया। उसके बाद से पूर्व के कई गुरुओं व योगियों ने दुनिया भर में योग का प्रचार प्रसार किया और दुनिया ने योग को बड़े पैमाने पर स्वीकार किया। पिछले 50 सालों में योग न सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय घटना बन चुका है, बल्कि दुनिया के हजारों लाखों लोगों के लिए एक जाना पहचाना नाम भी बन गया है। धीरे धीरे पिछले 15 सालों में कई योग गुरुओं और संस्थाओं ने किसी एक दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाए जाने की बात करनी शुरू कर दी थी, और अब 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रोग्रामिंग डेस्क, नेशनल वॉइस। चलिए तो 21 तारीख जो है वो क्यों तय की गई, ये तो आपको पता चल गया है। अब जरा बारिश और राजनाथ सिंह की भी बात कर लेते हैं। लखनऊ में आज सुबह से ही बारिश हो रही थी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह बारिश के थमने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब बारिश नहीं थमी तो राजनाथ सिंह ने भारी बरसात के बीच ही योग करना शुरू कर दिया और फिर पूरी जनता उनके साथ योग के लिए तैयार हो गई। तस्वीरें देखिए राजनाथ सिंह की लखनऊ से। दुनिया आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है, जिसके चलते लोग आज योग के जरिए निरोग रहने की कला सीख रहे हैं। देश भर में अलग अलग शहरों में योग के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, वहीं राजधानी लखनऊ में कुछ अलग ही अंदाज में योग किया गया, जहां भारी बारिश के बीच लखनऊ में रेन योगा डे मनाया गया। जहां दुनिया भर में आज वर्ल्ड योगा डे के तहत लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जा रहे थे, वहीं राजधानी लखनऊ में भी योग दिवस को लेकर तैयारियां तो कई दिनों पहले से शुरू कर दी गई थी, लेकिन बारिश ने आज सारी तैयारियों पर खलल डाल दिया। सुबह से ही लखनऊ में बारिश होती रही। लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में होने वाले योगाभ्यास कार्यक्रम में भी इसका असर देखने को मिला, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में सुबह 6 बजे से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम को बारिश के चलते थोड़ा देर से जरूर शुरू करना पड़ा, लेकिन बारिश ने जब रुकने का नाम ही नहीं लिया तो राजनाथ सिंह ने कदम आगे बढ़ाए और शुरू कर दिया योगा दिवस को मनाना। हालांकि योगा दिवस के लिए लोगों का उत्साह का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता था कि भारी बारिश के चलते और पानी से लबालब भरे मैदान में राजनाथ सिंह को देखते हुए हजारों लोगों ने भीगते हुए योग किया। इस मौके पर राजनाथ सिंह, सांसद कौशल किशोर, लखनऊ के मेयर दिनेश शर्मा, मौलाना यूसुफ अब्बास समेत केंद्रीय रिजर्व बल के पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद थे, जिन्होंने बारिश की परवाह किए बगैर योग किया। इस मौके पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भारी तादाद में शामिल होने आए लोगों को बधाई दी। वर्ल्ड योगा डे पर बारिश के बावजूद लोगों का उत्साह योगाभ्यास के लिए बना रहा, ये बात निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। बारिश
बारिश की चिंता किए बिना भी यहाँ पर लोग सुबह से ही जुटने शुरू हो गए हैं। इसी तरह से लगातार सुबह से बारिश हो रही है और यही तस्वीरें लगातार सुबह से देखी जा रही है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर लोग आए हुए हैं। खुद राजनाथ सिंह यहाँ पर मौजूद हैं और ये वाकई में अपने आप में एक मिसाल पेश करता है आज के दिन का, क्योंकि जहाँ एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे विश्व में योगा दिवस का संदेश दे रहे हैं, ऐसे में लखनऊ से आई ये तस्वीरें अपने आप में एक मिसाल पेश करती है। लखनऊ से कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ श्रुति गुप्ता, नेशनल वॉइस, जय हिंद। चलिए, तो लखनऊ की हम यहाँ पर बात कर रहे थे, यूपी के और भी कई हिस्सों में हम आपको लेकर चलते हैं, वहाँ की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। यूपी में नेताओं के साथ आम जनता का योग, 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, यूपी से योग दिवस की ये तस्वीरें हैं, कानपुर, मुजफ्फरनगर, वाराणसी, लखनऊ, मेरठ और गाजियाबाद की ये तस्वीरें। मेरठ में मुख्तार अब्बास नकवी पहुंचे हुए थे, लखनऊ में राजनाथ सिंह जहां बारिश के बाद भी योग करते नजर आए राजनाथ सिंह, गाजियाबाद में निर्मला सीतारमन, 6 तस्वीरें जहां पर नेताओं के साथ साथ आम जनता ने भी योग किया। कहते हैं कि योग भगाता है रोग, ऐसे में सभी अपने रोग को भगाने की कोशिश यहां कर रहे थे। सेहत बनती है योग से, इसीलिए आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। यूपी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यूपी की 6 तस्वीरें, योग के साथ साथ राजनीति भी दिखाई दी गाजियाबाद में, जहां निर्मला सीतारमन ने कहा कि 2017 भी जरा ध्यान में रखिएगा, योग के साथ साथ राजयोग की भी बात यहां पर करते हुए आ रहे हैं नेता। यूपी से योग दिवस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 6 तस्वीरें, कानपुर, मुजफ्फरनगर, वाराणसी, लखनऊ, मेरठ और गाजियाबाद, जहां वाराणसी में बच्चों ने योग किया। और योग के बाद ये मंत्री जब मीडिया से मुखातिब हुए तो सभी के अपने अपने बोल थे, किसी ने योग की बात की तो किसी ने योग के जरिए राजनीति को साधा। आप सभी जानते हैं मनुष्य के जीवन में योग का क्या महत्व होगा। ये योग के गुण तत्व के बारे में उससे भी कोई पूछे तो मैं यही कहूंगा। प्रदेश आई और मैंने भागीदारी दी भोपाल के सभी नागरिकों, वरिष्ठ कार्यकर्ता, पदाधिकारी, हमारे सांसद, मेयर श्री और हमारे सभी सम्मानित MLAs के साथ। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी चंडीगढ़ में आज देश भर के योग से संबंधित जितने भी नागरिक हैं जो इसका लाभ उठाना चाहते हैं, योग साधना शिविर है उसमें हिस्सेदारी कर रहे हैं। और निश्चित तौर से आज हर भारतवासी के लिए ये बहुत गर्व का विषय है कि पूरी दुनिया मेरे भारत की जो हजारों साल पुरानी विरासत है, संस्कार है, उसको उसने जो है वो बड़े जोश और जज्बे के साथ आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इन कोलैबोरेशन विद और इन विद असिस्टेंट ऑफ ईशा फाउंडेशन, वेरी लार्ज नंबर ऑफ यूथ वर प्रेजेंट हियर। And I can say that the way this program has been conducted, the way it has been conceived is very good. It will give a lot of encouragement to people to do yoga and contribute towards their own health and और इसी के साथ खास पेशकश राजनीति का योग में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए नेशनल वॉइस के साथ। जय हिंद।